पैसे के लेनदेन को लेकर युवक को पीटा। हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। रविवार की देर शाम थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी कृष्णा नगर के सौख रोड स्थित आजाद नगर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक युवक अपने घर से बाजार के लिए जा रहा था। तभी पड़ोस के रहने वाले नामजद चार लोगों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे युवक खून से लथपथ हो गया। घटना को देख आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए और घटना की सूचना इलाका पुलिस को दी, तो इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस के द्वारा घायल युवक को उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए घायल युवक के पिता शिवदत्त निवासी आजाद नगर थाना कोतवाली ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले नामजद चार लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया है कि उन्होंने पिछले 6 माह पूर्व 20,000 रुपए उधार लिए थे और काफी समय से पैसे नहीं लौटाए। इसी बात को लेकर 2 दिन पूर्व उनसे पैसों की मांग की तो नामजद लोगों ने उनके बड़े पुत्र के साथ एवं उनकी पत्नी के साथ मारपीट कर दी, जिसी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की। लेकिन रविवार की देर शाम उनका छोटा पुत्र कुकु घर से बाजार के लिए जा रहा था, तभी घात लगाए चारों आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। हमारे साथ में पहले क्या हुआ? ऐसा था, 26 की शाम को मम्मी ने कही होगी उनसे पैसे वैसे की, उसी बात पे गुस्से में आके घर पे आके पर मम्मी के पैर वैर तोड़े हैं। जब मैं आया हूँ तो मेरे साथ भी वही मारपीट करी है। सर में 3-4 टांके मेरे हैं, एक टांका इधर है, 5-6 दांत मेरे गए हुए हैं, जो ऊपर नीचे के साथ तोड़ दिया पूरी तरीके से। उसके बाद भी कोई कार्रवाई खास हुई है वो वहीं के छोड़ दिए गए हैं, ना कोई पकड़ा डकड़ी हुई है ना कुछ नहीं। और उसके बाद में दो दिन बाद फिर छोटे भाई के साथ हादसा कर दिया। ये भी रास्ते से जा रहा होगा अपने किसी काम से, पकड़ गई, उसके भी साथ हादसा कर दिया। इसके भी कई जगह छोटे भयंकर पैसे मांगने को लेकर पैसे मांगे हमने, हमें उनसे क्या मतलब, हमें क्या लेना देना उनसे। 20,000 रुपए ले गए, हमें भैया पैसे दे दे हमारे टाइम से, 6 महीने की बोल के ले गया। अभी रोंदे सब ऐसे हैं, जुआ जपाड़े खेलते रहते हैं, सब ऐसे घूमते हैं गली में, मार पटाई करते रहते हैं, कुछ कुछ नहीं हुआ अभी तक। पूरे खुले हम घूम रहे हैं मजे से गली में, ये धमकी सी और दे रहे हैं, करके दिखा दो तुम हमारा कुछ कर सको। एक गौरी है, पंकज है, हेमंत है, और उनका बाप है वो लक्ष्मण बेटा है। क्या नाम है? इसको नाम कुकू है। क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ भैया साहब, ये एक पड़ोसी है मोहल्ला के, गौरी, पंकज और हेमंत सनप लक्ष्मण, और वो 20,000 रुपया ले गए 6 महीना पहले, 20 दिन की कह के ले गए, और 20 दिन से 6 महीना तक हमारे आज ले कल ले, आज ले कल ले। 26 तारीख में घर वाली नहीं हो कहीं ले लू, पैसे नहीं क्यों ना दे रहे हो, ऐसे कैसे टालम टूला कर रहे हो। तो यही बात पे या बच्चा के 5 दांत टूटे या को सर फोड़ दियो, और घर पे आके नहीं है लाठी डंडन से मारे और सब घरवाली को पैर तोड़ दियो। बाकी हमने FIR कराई 26 को, और फिर कल फिर यहाँ पे हमला कर दिया, चूँकि वो पकड़े ना आ गए ना थाने थी, कोतवाली थी, कोतवाली छोड़ दिए वो, जो करके मैंने हौसले बुलंद है। और फिर जो कल निकल के जा रहे हो फिर काम से, झट पीछे तो पकड़ के जाओ 3-4 आ रहा है परेश यार तबल है, वो गौरी, पंकज और हेमंत, और उनका पड़ोसी रहने वाले हैं। हाँ, पड़ोसी के रहने वाले हैं, 5-7 घर आगे रहते हैं। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस का कार्रवाई करे, पकड़ तो रही ना उनने, अब का कार्रवाई होगी ईश्वर जाने।